नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। भारत के संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। 28 मई को इस बिल्डिंग का उद्घाटन होगा और उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में सबको तो बुलाया गया है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इस मुद्दे पर करीब सभी विपक्षी दलों ने 19 विपक्षी दलों ने ये बात कही है कि राष्ट्रपति के बगैर कोई भी संसद की बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो वो उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 79 में धारा 79 में ये साफ तौर पे लिखा है कि संसद यानी राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति के बगैर संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन करना ये ठीक नहीं। दूसरा है कि किसी भी राष्ट्र का प्रथम नागरिक या भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति ही होता है, तो राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो एग्जीक्यूटिव या प्रशासकीय मामले देखते हैं, वो सरकार चलाते हैं, लेकिन संसद के जो प्रमुख होते हैं वो तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद शुरू होती है, तो राष्ट्रपति को न बुलाकर जब प्रधानमंत्री खुद के भवन का उद्घाटन करेंगे तो ये एकदम गलत बात है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है, 19 दलों ने मिलकर उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति महिला है, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी है, तो उनको प्रमुखता देनी चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है, उनको प्रमुखता देनी चाहिए और उनके हाथ से संसद का उद्घाटन होना चाहिए, संसद की नई बिल्डिंग का। प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात है कि अपनी वोटों की राजनीति के लिए आप संसद की नई बिल्डिंग बनने का जब शिलान्यास रखा गया था तब रामनाथ कोविंद थे, उनको नहीं बुलाया गया, वो दलित समाज के थे, उनको नहीं बुलाया गया। अभी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है तो उनके हाथ से राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सारे मुद्दे लेकर 19 राजनीतिक पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, आरएलडी, जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर एक ज्ञापन निकाला है, एक मेमोरेंडम निकाला है और उन्होंने कहा है कि ये जो किया जा रहा है वो संसद की गरिमा के विरुद्ध है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है और जिस तरह से तानाशाही से ये संसद की इमारत बनाई गई है, ऐसे समय पर बनाई गई, तो पहले तो ये संसद की इमारत बनाना है, इसके लिए ना कोई विपक्ष को से बातचीत की गई, ना कोई संसद से बातचीत की गई, ना देश के लोगों से बातचीत की गई, प्रधानमंत्री ने खुद ये निर्णय ले लिया। उसके बाद ये किस समय बनाया गया है? जब हमारे देश में कोरोना काल में लोग मर रहे थे, हमारे पास आर्थिक समस्याएं चल रही हैं और ऐसे समय में इतना पैसा डालने की जरूरत क्या थी? और अगर अभी आपने डाला है, उसको बनाया है, तो फिर ये राष्ट्रपति इसका उद्घाटन क्यों नहीं करेंगे? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? राष्ट्रपति का सम्मान क्यों नहीं किया जाएगा? ये सारे सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है और इन सवालों के आगे बातचीत हो रही है और उनके सवाल उठते हैं। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी आ रही हैं, उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी की मायावती, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मायावती इस कार्यक्रम में आएंगी, फिर टीडीपी ने भी इस कार्यक्रम के लिए हाँ बनी है, केसीआर का पता नहीं चल रहा है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, बीजू जनता दल का भी है कि उनका कहना है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो ये पूरा मुद्दा है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे लिए इस वक्त गर्व की बात होनी चाहिए कि एक तो हम महिला सम्मान की बात करते हैं तो महिला हमारी राष्ट्रपति है, दूसरा है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उसकी महिला है, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा उत्साह का बात है
कि ऐसी महिला राष्ट्रपति हमारे पास हैं, तो उनके हाथ से अगर ये उद्घाटन होगा तो फिर वो संसद का और लोकतंत्र का सम्मान होने की बात होगी। उनके होते हुए उनको न बुलाकर ये जिस तरह से ये अलोकतांत्रिक ढंग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एकदम गलत है। ऐसे कार्यक्रम तो आमतौर पे कंसेंसस से होने चाहिए। आपको ये कार्यक्रम लेने के पहले तो बिल्डिंग बनाने के पहले ही आपको विपक्ष को बुलाना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं किया। अभी उद्घाटन कार्यक्रम में भी किसे बुलाया जाए, आप एक कमिटी बना सकते थे जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों हो सकते थे। वो कमिटी ऑर्गेनाइज करती कार्यक्रम और वो कमिटी डिसाइड करती किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। वो कमिटी ये डिसाइड करती कि कौन इनॉग्रेशन करेगा, कैसे करेगा, इसमें सबका सम्मान कैसे रखा जाएगा, क्या नए चीज़ें इसमें लाई जा सकती है, इस पर एक चर्चा हो सकती थी और पक्ष विपक्ष दोनों एक आकर हमारे संसद की गरिमा को आगे बढ़ाते। लेकिन ये ऐसा कभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। वो तो जो उनके मन में आया वो अंतिम बात है, उनके लिए लोकतंत्र कोई महत्व नहीं रखता है, ये घटना ऐसे बता रही है। तो आपकी क्या राय है, क्या प्रधानमंत्री को इस संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करना चाहिए या राष्ट्रपति को करना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।